मैं बहुत अच्छी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कल्पना स्पेशल में। सो आज है फर्स्ट नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घरों में भी कुमकुम भरे पैरों से आए और खुशियां और खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य, धन संपत्ति सब लेके आए, यही मेरी कामना है आप सबके लिए। और माता रानी मुझे ढेर सारा प्यार दे, मुझे तो माता रानी से प्यार चाहिए। तो मैंने कर ली है पूजा, देखिए मेरी बिंदी भी लगी है और आपने माता रानी को भी देखा, अभी नहीं देखा, अच्छा अभी दिखाती हूँ। और ये है मेरा नारियल और काफ़ी जो कुछ भी सामान है चढ़ाने के लिए, ये मंदिर जाएगा, आज मंदिर में चढ़ाना है इसको। मैं तो अखंड जोत है मेरी, तो मैं शायद निकल नहीं पाऊँगी, विशाल जाएगा वो चढ़ा के आएगा, और अखंड जोत छोड़ के मैं जाती नहीं गई। कोई ना कोई एक घर में रहना चाहिए, कोई एक घर में रहे तो मैं जाऊँ, तो विशाल नहीं रहेगा, वो जिम वगैरह जाएगा, तो वो पूजा मंगलवार को जाता भी है मंदिर पूजा करने के लिए हनुमान जी की, और ये सब प्रसाद वगैरह भी ले आएगा वो। अभी फ्रूट लेने हैं जो भी इसमें साथ में जाएगा फ्रूट, तो ये है। और मैं माता रानी दिखाऊंगी प्यारी सी, नजर मत लगाना मेरी माता रानी को, प्यारी सी माता रानी मेरी, ये देखो सोनी सोनी माता रानी है मेरी, ये देखो। तो इस बार मेरा पिंक और स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, और ये है मेरा दरबार, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। माता रानी के पीछे जो फ़ैन लगा है ये पिंक कलर का है, लेकिन ये स्काई ब्लू कलर का चाहती थी, मैंने बहुत ढूंढा मुझे नहीं मिला, और स्काई ब्लू कलर का ऑनलाइन मिल रहा है लेकिन वो आएगा नवरात्रों के बाद, तो फ़ायदा कुछ नहीं होना मुझे। अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरा दिल कर रहा है कि ये स्काई ब्लू कलर का हो पीछे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ैन डेकोरेशन, ऐसा लगता है माता रानी का ऑरा है ये राउंड, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। ये मेरा दरबार है पिंक और स्काई ब्लू। माता रानी का भोग, इसमें है मखाने, छुआरे, किशमिश, काजू, बादाम, सौंफ, इलायची, और ये मीठा। और ये है हमारी पूजा की थाली, जिसमें है मेरे भोले बाबा, विष्णु जी का शंख, और ये है बजरंग बली जी, और ये है पान के पत्तों से, माँ को मैंने पान के पत्ते भेंट किए हैं, सुपारी भेंट की है, और ये है मेरी अखंड ज्योति, और ये है मेरा कलश, ये मेरे कान्हा जी का चुपके बैठे हैं कान्हा जी, और ये माता रानी को मैंने जो श्रृंगार चढ़ाया है उसमें है चूड़ियाँ, नेल पॉलिश, कंगी, ये लाल चुन्नी, सिंदूर, बिंदी, ये सारा सामान मैंने माता रानी को चढ़ाया श्रृंगार में। एक ये माला बना के रखी है, पहनानी है अभी। और ये है मेरा दरबार, और ये है मेरी प्यारी सी माता रानी, देखिए आप लोग कैसी लग रही है मेरी माता रानी, वाह। इस बार का माता रानी का ड्रेस जो है वो मैंने स्काई ब्लू कलर का बनाया है, और बनी बनाई ड्रेस मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं खुद ही फैब्रिक लेके और खुद बनाती हूँ, तो बहुत सुंदर लग रहा है दरबार माता रानी का। ये माता की चौकी है, इस पर मैंने ये गोटा लगाया है, इसको स्टिचिंग करते वक्त मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई, बस जल्दी जल्दी में मैंने कर दिया। और ये है मेरी पूरी की पूरी टेबल, वो मैंने एक छोटा सा रुमाल रखा है माता रानी के लिए, हैंकी दिया है माता रानी को, और ये है सारा पूरा दरबार। सो ये है मेरा ड्रेस आज का, इसके साथ में पिंक कलर, इस कलर का लेगिंग है, और ये कुर्ता है नया मेरा, और इसका दुपट्टा भी नहीं मिला मुझे मार्केट में, तो मैंने इसके साथ गोल्डन दुपट्टा लिया था, अभी उधर रखा हुआ है, पूजा करते टाइम लिया था। तो आप सभी को मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। मैं हर बार नवरात्रि में सभी लोग रेड पहनाते हैं माता रानी को, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं उनको हमेशा नए नए कलर का मतलब ड्रेस बना के दूँ, और अगर उनको रेड दुपट्टा जैसे एक शगुन होता है चढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मैंने रेड कलर का दुपट्टा लिया है, ये रहा, ये देखिए बड़ा प्यारा सा दुपट्टा है, ये तो मैं बना बनाए लेके आई थी, जो मैंने उनको भेंट किया है रेड दुपट्टा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको रेड दुपट्टा नहीं दिया है, दिया है मैंने रेड दुपट्टा, लेकिन अभी देखिए मुझे मेरी नज़रें ना वहाँ से नहीं हट रही, मैं आप लोगों को नहीं देख रही हूँ, मैं माता रानी को देख रही हूँ, तो मेरी नज़रें नहीं हट रही हैं वहाँ से, बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, मैंने उनके लिए नेकलेस भी लिया है सिल्वर कलर का, और इस बार उनका मुकुट भी नया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये मुकुट नया है और सिल्वर कलर का नेकलेस है, सिल्वर नेकलेस के साथ में इयरिंग और मांग टीका भी है, वो मैंने पहनाया नहीं माता रानी को, एडजस्ट करना कर सकती थी लेकिन टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाई एडजस्ट। और ये हार नया लिया है फूलों, मतलब ये आर्टिफिशियल है लेकिन ये रोज़ ओरिजिनल है। और ये है कुछ मेरी माता रानी की छवि, आज बहुत
बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक में स्काई ब्लू कलर का होना चाहिए था, ऐसा कुछ है क्या आप लोग बताइए कमेंट करके। नीचे तो स्काई ब्लू है लेकिन ऊपर पिंक है, तो मैंने सोचा अगर मैं इसको सारा स्काई ब्लू कर दूंगी तो माता रानी के ड्रेस से पूरा एकदम मिक्स हो जाएगा, तो कलर दिखाई नहीं देगा अलग से। लेकिन अभी माता रानी का कलर ड्रेस का कलर ही कम आ रहा है क्योंकि नेट का दुपट्टा है। देखिए मैं इसमें लटकन वगैरह भी लगाई है, कितनी प्यारी सी, ये देखिए कितनी प्यारी। लहंगा बहुत ही खूबसूरत है, लहंगा तो पूरा छुपा हुआ है, क्लोज करके दिखाती हूँ। लहंगा बहुत सुंदर है, ये देखिए ये कुछ लहंगा है और ये दुपट्टा है, इसमें किनारी लगाई है। ये देखिए मेरी माता रानी को ऐसा कुछ रूप है आज माता रानी का। ये है स्काई ब्लू, और ऐसे ही मैंने माँ लक्ष्मी जी के लिए भी दुपट्टा बनाया है और गणपति बाप्पा के लिए भी दुपट्टा बनाया है, सेम टू सेम, उसी में सेम लेस लगा के। तो ये है कुछ रूप आज मेरे दरबार का, और ये मेरे कान्हा जी यहाँ दुल्हन बने बैठे हैं और कुबेर जी महाराज भी, तो इनका दुपट्टा भी सेम टू सेम है। ये दुपट्टे रेडीमेड भी ले आई थी वैसे मैं ये वाले, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये स्काई ब्लू साथ में गोल्डन था इसलिए मैंने ये नहीं दिया। मेरा तो सिल्वर का कॉम्बिनेशन है ना, मिला ही नहीं कहीं पे भी ये कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया टेबल पे। ठीक है, तो बताइए कमेंट करके कि कैसी लग रही मेरी माता रानी आज। ओके, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। दिन भर का सारा समय ऐसे पूजा ध्यान और भक्ति में चला गया, और शाम का समय हो चला था तो हमने फिर से एक बार ताज़े फूलों से माता का दरबार सजाया, और संध्या आरती का समय हो गया तो हम लोग संध्या आरती के लिए बैठ गए। और आपने देखा विशाल ने भी पूजा की थी सुबह मॉर्निंग में, उसका क्लिप लिया था मैंने, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और शंख हमेशा वही बजाता है, मैं नहीं बजा पाती हूँ, तो मैं ताज़े फूलों से, जो सुबह फूल से माता का दरबार सजाया था ना, वो शाम तक थोड़े से मुरझा गए थे, तो मैंने सबको हटा के क्लीन करके और ताज़े फूलों से फिर से एक बार माँ का दरबार सजाया। और बहुत सारे फूल एक साथ मंगवा के रख लिए थे तो बहुत मतलब ताज़े ताज़े फूल मिल पा रहे थे आसानी से। इस टाइम तो गुलाब का तो सीज़न है लेकिन मैरी गोल्ड फ्लावर जो है ना उसका सीज़न ठीक से नहीं है अभी इस टाइम, बहुत सूखे सूखे छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो अच्छे नहीं लग रहे हैं गेंदे के फूल।
शाम की आरती हो चुकी है, आप सभी ने देखा हम लोगों ने आरती किया और फिर मैंने बैठ के बहुत सारे भजन गाए, थोड़े से भजन रिकॉर्ड किए, सारे रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि जब मैं गाती हूँ भजन गाती हूँ तो मैं खो जाती हूँ बिल्कुल, तो मैंने सारे रिकॉर्ड नहीं किए, सिर्फ व्लॉग के लिए थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली, बाकी मैंने दिल खोल के खूब गाया, अच्छे से माँ को मनाया और बहुत सारा प्यार लुटाया माँ ने मुझ पर भी, और बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद मिला, बहुत सुकून मिला मुझे। नवरात्रों में मैं यही करती हूँ, कभी कभी अकेले बैठ जाती हूँ और खूब गाती हूँ दिल खोल के, और बहुत बहुत मज़ा आया मुझे, और मैं दिखाती हूँ आपके दर्शन, आपको दर्शन कराती हूँ माता रानी के, कितनी प्यारी लग रही है माता रानी आज, इनका स्वरूप मेरी, मैं उनको निहारते थक नहीं रही हूँ, सुबह से निहार रही हूँ मैं उनको, यहाँ काफ़ी देर बैठी रही और मैंने योग वगैरह भी किया यहाँ बैठ के, माता रानी को देखती रही, उनसे बातें करती रही, इतनी प्यारी लग रही हैं आज वो कि मेरी आँखें नहीं थक रही हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं अभी जो मैं अभी भी मार्केट गई थी ढूंढने के लिए, दिन में गई थी पर मुझे मिली नहीं, ऑनलाइन ही मिल रही है मुझे वो, और ऑनलाइन जब तक वो मेरे हाथ में आई तब तक के नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे, तो अभी डेकोरेशन अधूरी है माँ की, मगर देखती हूँ, कोशिश करती हूँ मार्केट वगैरह बीच में एक दिन और ट्राई करूँगी, कोई घर में किसी को रोक के फिर मैं जाऊँगी लेने के लिए, मिल जाता है तो लेके आऊँगी, और अभी लाइटिंग वगैरह भी नहीं लगाई है जल्दी जल्दी में, अभी मैं रात में लाइटिंग निकालूँगी और लगाऊँगी ताकि थोड़ी डेकोरेशन और हो जाए, जितना भी दरबार सजाओ उतना कम लगता है, ऐसा लगता है और होना चाहिए और होना चाहिए। तो मैं अब माँ के दर्शन कराती हूँ आपको और इंतज़ार नहीं करवाती हूँ। ओके, तो ये है मेरी माता रानी का दरबार, और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी माता रानी, थोड़ा क्लोज करती हूँ दिखाती हूँ और क्लोजअप करके, ये देखिए ताज़े ताज़े फ्रेश गुलाब के फूल, जो सुबह चढ़ाए थे वो तो सूख गए थे, फिर से अभी आरती की तो फिर से चढ़ाए हैं नए फूल। वीडियो अगर किसी भी रीज़न से अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने भी फास्ट रखा है तो कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखिएगा उसमें। आप सभी को ढेर सारा प्यार माता रानी की तरफ से, और कुछ नए नए फीचर्स आ गए इसमें, थंब दिखाओ तो थंब आता है, और ये देखिए ये आ गया ना थंब, और ऐसे कुछ करते हैं पता नहीं क्या, तो अजीब अजीब तरह के बलून भी निकलते हैं, वेव करते हैं तो भी कुछ होता है, शायद नहीं हो रहा अभी, कुछ तो हुआ था बीच में, अपने आप ही हो जाता है कुछ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में प्यारे से खूबसूरत से नवरात्रि के ही किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, नवरात्रि में खूब इंजॉय कीजिए, माँ को मनाइए, ढेर सारा प्यार उनसे पाइए और आशीर्वाद ब्लेसिंग्स लीजिए उनसे, और खूब मिलन मनाइए माता रानी के साथ में, आप सभी का घर सभी के खुशियाँ आएँ खूब सारी ढेर सारी, इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ फिर किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।